आप भी जानना चाहते हैं कि आपने अपना फेसबुक जो है कितना घंटे और कितना मिनट यूज़ किया, एक दिन में या 2 दिन में कितना घंटे और कितना मिनट यूज़ किया, या 3 दिन में आपने कितना घंटे और कितना मिनट यूज़ किया, या पूरा हफ्ता आपने कितना घंटे और कितना मिनट यूज़ किया। तो अगर आप ये टाइम देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में देखें। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल के साथ आपके साथ ये शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से जो है अपना फेसबुक का टेमो देख सकते हैं कि आपने कितना घंटे और कितना मिनट देखा है फेसबुक। और उसके बाद अगर आप सेट करना चाहते हैं कि मेरे मसलन एक लिमिट आप रख रहे हैं कि मैं एक दिन में 1 घंटा देखना चाहता हूँ, उसके बाद मुझे कोई अलार्म बजे, तो वो भी आप कर सकते हैं। अलार्म भी आप सेट कर सकते हैं अपने फेसबुक में। वो जैसे ही 1 घंटा आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास आपके फेसबुक में अलार्म बजेगा और आपको पता लग जाएगा मेरे फेसबुक देखने का टाइम जो है 1 घंटा पूरा हो गया। चलते ही शुरू करने से पहले जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आएगा और उस पर आप क्लिक करें, और साथ में बिल का आइकन आपको नज़र आएगा उस पर आप क्लिक करें। ये सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आएगा इस वीडियो के नीचे आप देखें, तो साथ में बिल का आइकन आपको नज़र आएगा। इन दोनों पे क्लिक करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें कि उन लोगों को जो है इसी वीडियो से फ़ायदा हो जाए, वो भी इंजॉय करें। तो जैसे ही आप अपना फेसबुक ओपन करें, फेसबुक ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि आप राइट साइड पे जो है यहाँ पे 3 बार आपको नज़र आएगा, इस पे आप क्लिक करें। और जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाएं। सबसे नीचे यहाँ पे सेटिंग प्राइवेसी आपको नज़र आएगा, इस पे आप क्लिक करें। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करें तो कुछ इस तरह आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन और भी दे रहे हैं कि यहाँ से फेसबुक सेटिंग के बारे में बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तीसरी नंबर पे जो है यहाँ पर ये घड़ी का आइकन आपको नज़र आएगा और साथ में लिखा हुआ है योर टाइम ऑन फेसबुक जो है इस पे आप क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके फेसबुक का जो वॉच टाइम है तो वो सब यहाँ बता रहा है। तो यहाँ पे ये टाइम लिखा हुआ है कि टाइम पर डे जो है ये बता रहा है, और कुछ और भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने जो है यहाँ कौन सा दिन में जो है कितना टाइम देखा है, यानी इस दिन में जो है फ्राइडे में जो है मैं फ्राइडे को मेरा छुट्टी होता है तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है फ्राइडे में, मैंने देखा है 3 घंटे और 12 मिनट मैंने अपना फेसबुक देखा है। तो उसके बाद संडे में जो है संडे मैंने 2 घंटे और 7 मिनट अपना फेसबुक देखा है। तो इस तरह आप पूरा दिन जितना पूरा दिन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से दिन में कितना टाइम आपने अपना फेसबुक देखा है। और उसके बाद अगर आप इसका अलार्म लगाना चाहते हैं कि आप मसलन लिमिट रख रहे हैं कि 1 घंटा मैं देखना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे कि यहाँ नीचे आ जाओ। और जैसे ही नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट डेली जो है अलार्म, यहाँ पे ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप घंटे रख सकते हैं, यानी 1 घंटा आप रख सकते हैं, 2 घंटे रख सकते हैं, जितना भी आपका मर्जी है। तो यहाँ से आप घंटे रख सकते हैं और यहाँ से आप मिनट रख सकते हैं, 25 मिनट रखना चाहते हैं या 2 मिनट रखना चाहते हैं, 20 मिनट रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप मिनट भी रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से सेट जो है यहाँ पे क्लिक करें। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेट हो जाएगा अलार्म, और जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाएगा तो आपके फेसबुक आपको अलार्म देगा और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका फेसबुक वॉच टाइम जो है वो पूरा हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।